जय जय श्री राधे श्याम। आज हम मंदिर से लौट रहे हैं राधा रानी के दर्शन करके। मंदिर का परिक्रमा करके जब इधर आ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा सात आठ साल उम्र होगा मैक्सिमम, हाथ जोड़ करके हमारे सामने खड़े हो गए। भीड़ के अंदर, भीड़ है बहुत हमारे साथ, हमारे साथ तो पलटन रहता है ना, हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ऐसे प्रणाम किए। बच्चा लड़का देखने में भी बहुत सुंदर है, विनम्र शांत। बाबा हमको आशीर्वाद कीजिए, हमारे भक्ति हो जाए, हमारे भक्ति हो जाए, बल्कि प्रणाम करें, आप हमको ऐसे आशीर्वाद कीजिए, हमारे भक्ति हो जाए। हमने बोला भक्ति चाहते हो तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा, द्वार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सब प्रिय जन जो है जितना ये सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भक्ति चाहते हो फिर क्या करोगे? बोलते बढ़िया होगा हम बरसाने चले आएंगे, बढ़िया होगा हम बरसान में चले आएंगे, हम सीधा बरसान में चले आएंगे। मैंने हिला दिया बच्चा का ये, और हृदय से कह रहा है बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है, उसका शब्द तो हृदय से, हम देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बोले बढ़िया होगा हम तो बरसान में चले आएंगे। प्राप्ति तो कोई साधन के विषय नहीं है, साधन सापेक्ष है नहीं, और वो पक्षपात भी नहीं है, इसके प्रति अधिक कृपा, इसके प्रति अधिक कृपा, इसको तो बहुत जन्म लग जाएगा, इसको तो अभी हो जाएगा, ऐसे बात भी नहीं है। बात है अंतकरण की प्रस्तुति, ये प्रस्तुति जब हो गई तो समझ लेना मंजिल दूर नहीं, ये प्रस्तुति हमारी है नहीं, झूठ बोलने से क्या होगा? जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। हम लोग बोले हमारा हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, को होगा कहां से, हम हमारा मन तो फंसा हुआ है ना, रम रहा है, आनंद लग रहा है, फंसने का मतलब, फंसने का कारण भी है, ये कारण नहीं, जो माया हमको फंसा के रखा है ये कारण भी नहीं है, विषय हमको फंसा के रखा है ये भी कारण नहीं है, हमारे स्त्री कुटुंब परिवार हमारे प्रियजन हमको फंसा के रखा है ये भी कारण नहीं है। हम खुद बंधन शिकार कर लेते हैं, हमको अच्छा लगता है, बंधन का कारण है अच्छा लगना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो विषय तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, झूठ नहीं बोलना, विषय तुमको फंसा के नहीं रखा है, तुम विषय को पकड़ के रखे हो, छोड़ दो, मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, मुक्ति कोई बाहर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है, जब दृश्यमान जगत के कोई वस्तु पदार्थ हो हमको किंचित मात्र भी हमको आकर्षण करने में असमर्थ हो जाता है, हो जाएगा तो समझ लेना अब समय हो गया, अब तुम दिल में हाथ रखो, हाथ रख के विचार करो, क्या ऐसी स्थिति है तुम्हारा मन की स्थिति, विषय बंधन का कारण नहीं,
हमारे आसक्ति, आसक्ति का कारण है उस वस्तु में हमारी प्रीति, अच्छा लगता है। आसक्ति भी ऐसे नहीं, हमको अच्छा लगता है। जिस दिन अच्छा लगेगा नहीं, उस दिन वो वस्तु तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होगा। अच्छा लगता है, झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे वस्तु पदार्थ है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये तो है ही है, और भी है बहुत सारे बंधन, मान पूजा प्रतिष्ठा लोभ लालच, ये सब है बंधन का कारण है। तो बंधन मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति सिर्फ भगवत चरण छोड़कर के दृश्यमान देहो दही कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति ना रहना, बस हो गया तुम्हारा मुक्ति। बस ये हमारे क्या होता है, हमारे उधर सुंदरबन के उधर बंदर पकड़ते हैं, मदरी लोग बंदर खेल सिखाते हैं ना, खेल दिखाते हैं ना, बंदर चाहिए तो बंदर पकड़ता है। कैसे पकड़ा, ऐसे तो पकड़ा नहीं जाता है, क्या करता है वो लोग, एक कूजा जैसे बंगाल में कूजा है, मुंह ऐसे छोटा है और नीचे घड़ा सा रहता है ना, ठंडी के समय उसमें पानी रखा जाता है, पानी ठंडा रहता है, तो वो कूजा पदार्थ का बनाया जाता है, ऐसे नहीं जितना एक बंदर का हाथ घुस जाए ऐसे, इतना इतना परिवर्तन माप करके जो इतना ही, ऐसे ऐसे साधारण कूजा नहीं, बनावट ही ऐसा ही है, उसके अंदर लड्डू रख देता है, ज्यादा ऊंचा नहीं, छोटा ही होता है मुंह, जैसे देखने में आता है जो उसके अंदर माल है, तो लड्डू रख देता है, तो बंदर आके, छोटा बंदर आके वो देखता है उसके अंदर लड्डू है, तो क्या करते है उसमें आस्ते आस्ते, हाथ तो ऐसे तो जाएगा नहीं, धीरे 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 घुसा देता है हाथ, लड्डू पकड़ लेता है, पकड़ करके लड्डू खींचता है, तो हाथ तो मोटा हो जाता है ना, जब लड्डू हाथ में है तो ऐसे छोड़ देने से तो पतला हो जाएगा हाथ, निकल जाएगा, लेकिन लड्डू पकड़ के रखा है हाथ निकलता नहीं है, और काई 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 करता है, काई 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 काई, वो लाड्डू छोड़ देने से हाथ निकल जाएगा, लेकिन ना वो तो पशु है ना, जानता नहीं है ना जो हाथ कहाँ फंसा है, वो लाड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है, हाथ तो बड़ा हो गया ना, लाड्डू ले लिया, ऐसा फंस गया, अब काई 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 करता है, और मादरी आके उसको पकड़ लेता है, लाड्डू छोड़ देने से हाथ निकल जाएगा ना, लाड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही ये दृश्यमान भोग्य पदार्थ देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे अनादिकाल का जो आसक्ति, दृढ़ लगाव, ये लाड्डू जैसे है, हम इसको लेकर ही भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमारा कुछ नहीं चाहिए, सब संसार सुख शांति सब मिट गया है, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बेटा है बेटी है, इनके थोड़ा सा ठीक से बेटा का थोड़ा सा शादी हो जाए, इनको थोड़ा घर मकान दुकान ठीक से रह जाए, बेटी की शादी, बस हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा हो गया बाबा, हाँ हो गया, देख लिया संसार, ले बेटा बेटी, उसमें तुम्हारा मन फंसा हुआ है, तुम कहे तो हमारा सब हो गया, तुम जानते ही नहीं हो कहाँ फंसा है तुम्हारा मन, कुछ नहीं हुआ है, हमारा सब हो गया, ये मुंह में कह रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारा मन में बंधन है, आसक्ति है, छोटा बच्चा लेके मंदिर जाते हैं, खूब भक्ति मती, बाबा भक्ति चाहिए, बाबा कृपा करो, कृपा करो, हमको इसी जन्म में हमको भक्ति चाहिए राधा, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है बाबा, ये बच्चा को इसके माथे हाथ धर, ये बड़ा चंचल है, इसका ये करो बाबा, इसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, देखो तुम कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, तुम्हारा आवेश तो पूरा
बच्चा के ऊपर है, इसका कल्याण होना चाहिए, इसका मंगल होना चाहिए, इसका भला होना चाहिए, इसका पढ़ाई होना चाहिए, ये विद्वान होना चाहिए, ये बुद्धिमान होनी चाहिए, ये धनवान होनी चाहिए, बहुत लो। और कहते कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ भक्ति चाहिए। तो ऐसा नहीं, अपने मन को विचार करो, भगवान फंसा के नहीं रखा है, हमको अच्छा लगता है। बोले भगवान क्यों मुक्त नहीं करते हैं? अरे भगवान को खेलना है, तुम खेलना चाहते हो, भगवान तो खेलो ना। जिस दिन हमको खेल अच्छा नहीं लगेगा, भगवान कहते हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम क्या इंतजार करोगे हमारे लिए? देखो हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, कब तुम सब छोड़ छाड़ के हमको एकमात्र हमको ही अपना मान करके तुम हमारे सब समर्पण करके हमारे हो जाओगे, हम उस दिन के इंतजार में बैठे हैं, तुम क्या हमारे इंतजार करोगे? हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, क्यों तुम हमारे अंश हो, हमारे अभिन्न सत्ता हो, हमसे तुम में कोई भेद नहीं है, तुम हमारी सत्ता हो, तुम हमारे प्रिय हो। ऐसे नहीं बनावटी संबंध नहीं, ये नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, प्रियतम संबंध, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम समझने का कोशिश करो। तुम हमारे लिए क्या इंतजार करोगे? देखो हम तुम्हारे इंतजार में अनादिकाल से बैठे हैं, कब तुम सब छोड़ सके? हाँ, जब तक विषय वासना तुम्हारे भीतर है तब तक तो हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे। लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं, हम लाड्डू समेत हम जाना चाहते हैं, लाड्डू समेत हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं। संसार कैसे जाएगा? संसार क्या है? आसक्ति संसार का कारण, बंधन का कारण, वस्तु बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र संसार बंधन का कारण नहीं। रहो ना, खूब संसार में रहो। अम्बरीश महाराज 1 करोड़ रानियां चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, श्री भगवान से ही एकमात्र संबंध मान करके, जान करके, सब कुछ समर्पण करके, भगवान के हो करके ही समस्त जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते, अहं भक्त पराधीनो। कौन है? अम्बरीश महाराज, है ना? वस्तु बंधन का कारण नहीं। खूब करो संचार, करो स्त्री पुत्र लेकर के रहो, लेकिन जानना ये तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे से ये संबंध है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अच्छत्तमेनम सुवीरमूलम असंग सस्त्रीण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गत्ता न निवर्तन्ते भुवो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति पशिता पुराणि। अश्वत्तम एनम, ये जो संसार रूप अश्वत्त वृक्ष है, सुवीरमूलम असंग सस्त्रीण दृढ़ चित्ता, ये दृढ़ मूल जो है, ये अनाशक्ति रूप, वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है, ये ऐसा नहीं जाएगा। वस्तु सान्निध्य से दूर रहने से वैराग नहीं होता है। वस्तु हमारे सामने राजभोग रखा है, हमारा खूब इच्छा है, अच्छा भी लगता है, प्रिय भी है, हम नहीं खाएंगे, हम खाते नहीं भाई, हम रसगुल्ला ले जाओ, ले तो गया, लेकिन भीतर से हमारे जो स्प्रिया, मन तो कहता है इस दो राजभोग खाने से अच्छा होता, लेकिन कैसे खाएं, बाबा जी हैं, लोग देखेंगे जो बाबा होकर कैसे दो दो चार चार राजभोग खा लिया, क्या कहें आप, क्या करें, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन बाबा जी बन गए हैं भाई, राजभोग कैसे खाएं। बैराग्य दिख, नहीं नहीं नहीं, हम राजभोग नहीं खाते, हम बड़ा तीव्र बैरागी है। और मन कहता है एकांत में सुर मिल जाता तो चार राजभोग तो खा ही लेते। ऐसा नहीं है, असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता, तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको
काटना पड़ेगा। जब तक वैराग्य नहीं होता है, अनाशक्ति नहीं होती है, तब तक जा करके इस संसार बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। तब तक जा करके वो अनुभव वो होना संभव नहीं है। भगवान तुम्हारे द्वार पर ठाड़े हैं, भगवान चाहते हैं तुम आ जाओ, पुकार रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा नहीं, भगवान की करुणा की कोई कमी नहीं है। क्या बोल रहे थे? भगवान तो अंतर्यामी अंतरात्मा की सब जानने वाले हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि इसको इसकी आसक्ति कौन से विषय में है कौन से में नहीं है। तो भगवान कर्तम करता, वो तो एक पलक में आसक्ति मिटा सकते हैं जीव की। फिर भगवान प्रतीक्षा भी कर रहे हैं उसकी, तो ऐसा देखो तुमको पैसा चाहिए, भोग पदार्थ चाहिए, अचानक तुमको लॉटरी मिल गया है, लॉटरी पाने से वो पैसे के ऊपर तुम्हारा उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी का पैसा है ना, परिश्रम का पैसा नहीं। परिश्रम करके जो वस्तु मिलता है ना, वो वस्तु का कीमत होता है। वहाँ कृपा करके अगर भगवान ऐसे तुम्हारे संसार आसक्ति समाप्त कर देंगे तो वो प्रेम हो नहीं सकता है। बच्चा तो बहुत है, बहुतों का संतान नहीं है, गोद ले लेते हैं, लेकिन गोद लेने से भी अपत्य स्नेह जो है वो होना संभव नहीं है, है ना। अपत्य स्नेह, माता बड़े कष्ट के साथ एक संतान जन्म देते हैं, बड़े कष्ट के साथ 10 महीना गर्भ में धारण करके, कितना कष्ट शिकार करके फिर जाकर के संतान को जन्म देते हैं। इसीलिए अपत्य स्नेह जो है वो संतान के प्रति तब होता है। किसी को गोद लेने से वो प्रेम थोड़ी होता है। हाँ, पुत्र संतान है नहीं, गोद ले लिया कोई बच्चा को, ठीक है अच्छा है, लेकिन वो स्नेह कभी होना संभव नहीं है जो अपने निज माँ जो कष्ट करके जो संतान जन्म देती है ना, वहाँ वो कष्ट करके बड़े संताप बड़े कष्ट बड़े दुख सब कुछ स्वीकार करके जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका कदर होता है। तब जाकर के वो प्रेम जो है वो प्रेम ही भगवान आस्वादन करते हैं, बड़े आदर के साथ भगवान तब स्वीकार करते हैं। कृपा करके तो संसार को ही भगवान तारण कर सकते हैं, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं, तो उनका खेल जो है ये सृष्टि लीला समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं हम सृष्टि लीला करके रचना करके खेलेंगे, एक अहं बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला है बहु बन करके हम खेलेंगे, उनका खेल है, है? उनका खेल है। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियो, जे भजन्ति ते मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीव के लिए जो संसार सागर में रम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ भगवान सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं, यहाँ दृष्टा भगवान, उनको खेलना है, तुम खेलना चाहते हो, वो खेल में तुम आनंद ले रहे हो, इसीलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस दिन तुम ये खेल तुमको पसंद नहीं होगा, भगवान कहते उस दिन तुम हमको याद करना, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियो, कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, यह बहिर्मुख जीवात्मा। लेकिन जे भजन्ति ते मां भक्ता, जे भजन्ति तो मां भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मुइते वो मुझमें है, तेषु चाप्य हम उसके अंदर भी मैं हूं, यह अलग है, हैं? यह उन्मुख जीवात्मा है ना, भगवान को तो खेलना है ना,
तो जो उन्मुख जीवात्मा जो है, जो भगवान को ही अपना मानते हैं, संसार को नहीं, भगवान कहते हैं वो मुझ में है, ऐसा नहीं, ये भगवान के पक्ष बात नहीं है। तुम भी हमको अपनाओ किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, अति पापाचारी, कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कोई भी प्राणी हो, जिस दिन वो हमारे शरणापन्न हो करके हमको अपना मानेंगे उसी दिन हम उसको अपना लेते हैं। अपि चित सुदराचार भजत माम अनन्य भाव साधु सम्मंतव्य, अपिचित सुदुराचरो, इसके लिए ये नहीं है जो भगवत शरणागत होकर भजन करने के लिए बहुत सदाचार संपन्न, समस्त दोष वर्जित, कुसंस्कार मुक्त, आचरण युक्त जो है, ये सिर्फ साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मेरे को अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जिस दिन तुम हमको शरण करोगे, तुम जिस दिन अपने आप को हमारे शरणागत कर दोगे, उसी दिन हम तुमको अपना लेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, जो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। भगवान तब जाके अपना मानेंगे, हमारे अंदर बहुत पाप ताप, बहुत सारे कुकर्म करके आए हैं, बहुत अपराधी हैं, हमारे नीचता का कोई सीमा नहीं, हमारे पापाचार के कोई सीमा नहीं, मैं अति पापाचारी निकृष्ट श्रेणी ऐसी जीवात्मा हूँ, हम कैसे भजन करेंगे, भगवान कैसे हमको अपना मान लेंगे, ऐसे शब्दों कोई शास्त्र में कहा नहीं। करुणामय भगवान तो देखते ही नहीं कौन पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी है। जिस समय तुम शरणागत हो जाओगे, प्रभु हम तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हार हो जो बोले एक बार, माया बंधन होते कृष्ण करे तारे पार, मैं तुम्हारी हूं, ऐसे कहने से ही बस है ना। बोलो, जैसे आपने कहा कि विरक्ति तो अंदर से ही होती है, तो सत्संग में हम ये भी सुनते आए हैं कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग, तो ऐसे में बाबा कोई विरक्त हो जाए और वो संसार के भीतर में रह के अगर कार्य करे तो संग से उसके ऊपर भी तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे अग्नि के पास बैठेंगे, आग लगने की संभावना है, तो उससे बढ़िया तो उससे दूर रहना ही ठीक नहीं है। देखो वो तो अच्छा है, वस्तु सान्निध्य से दूर रह करके वो तो अच्छा है, लेकिन कभी मजबूरी हो जाता है संसार जीवन में, संसार में रहना, उस स्थिति में तो हमको संसार के अंदर रह करके ही हमको इस तरह से अनाशक्ति जो है, ये अनाशक्ति हमको अपनाना है, देखना है हमारे हृदय में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति ज़्यादा अनुराग तो है नहीं, ये प्रतिक्षण विचार करके देखना चाहिए, धीरे धीरे समझा बुझा करके मन को हटाना चाहिए, तत्सहित साधु संग सत्संग में रहना चाहिए, महत्पुरुष के सान्निध्य में रहना चाहिए। समय नहीं मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आकर के साधु संत ऐसे महत्पुरुष गुरु सान्निध्य में रहना चाहिए। तो धीरे 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 वो वैराग जो है, वैराग रूप अग्नि वो जलता रहता है, बुझता नहीं है, बुझने नहीं देते हैं, नहीं तो संसार में सब छोड़ छाड़ के तुम संसार में ही रहोगे, बहिर्मुख लोगों के साथ रहोगे, तो धीरे 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 उनके सान्निध्य में रह करके उनके संग से तुम्हारा मन में जो भी थोड़ा सा भगवती प्रेरणा, जो भी व्याकुलता, उत्कंठा, भजन स्प्रिया है, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। वस्तुगुण सावधान होना पड़ेगा। बहुत से लोग जिस तरह से हरिनाम करने की एक प्रार्थना भगवान से करते हैं, उसी तरह धामवास की भी प्रार्थना करते हैं कि धामवास हो। और तो क्या, हमें केवल धामवास मिल जाए, ऐसे भी हमने देखे हैं कि प्रार्थना करते हुए कि हमें केवल धामवास मिल जाए, तो क्या यही प्रार्थना
सुयोचित है ना। धामवास तो अच्छा है, भजन करने के लिए धाम में रह करके भजन करना ये तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार से यहाँ जो है परिवेश परिस्थिति संगो ये सब बहुत शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ जाओ सत्संग मिलता है, भूमि पवित्र है, फिर यहाँ दर्शन आदि हैं, राधानी के दर्शन, गिरिराज परिक्रमा आदि, ये सब भक्ति अंग जाजन सहज लभ्य हो जाता है। मन नहीं लगता चलो गिरिराज परिक्रमा दे के आ जाए, और एक पवित्र भूमि पवित्र राज है, इसमें कुछ नहीं हो तो कम से कम लोट पोट खाने से भी ब्रजराज भी बहुत सारे उसको पवित्र करने में समर्थ है, तो उत्तम है। लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है तो उसको तो संसार में रह करके ही भजन करना पड़ेगा। जब तक राधारानी की ऐसी कृपा नहीं होती है, उनकी इच्छा जिसको बुला लेते हैं वही आ सकता है, तो ये कोशिश अच्छा है। संसार में रहकर अगर कोशिश करते हैं हमको बरसाना में या ब्रज में जा कर के हमको रहना है, अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसा हो तो बहुत सुंदर है। तो संसार में रह करके ही ठीक है, जब होगा तब होगा, वो तो भविष्य जो है वो हम तो कह नहीं सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा। लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके ही हमको चिंता करना पड़ेगा, हमको किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कौन सा कमी है, ये कमी को हम कैसे मिटाएं। इसलिए क्या करना चाहिए, न तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगरी न तत्वदर्शिना। महत्पुरुष के सान्निध्य गुरु सान्निध्य में बार बार पुनः पुनः जाने का चेष्टा करना चाहिए, रहना चाहिए उनके सान्निध्य में, फिर वो जैसे उपदेश करते हैं तदनुसार साधन भजन करके धीरे 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 ये संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अश्चत्तमेनम सुवीर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, तीव्र वैराग्य रूप अस्त्रों के द्वारा संसार को छेदन करना है। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम जस्विन गताना निवर्तन्ति भूः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। फिर जिनके चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करने से फिर कभी संसार चक्र में फंसता नहीं, मैं वही परम पुरुष गोविंद के शरण में आया हूँ, हे प्रभु तुम हमको शरण में ले लो, ऐसा करके फिर चले आओ, फिर प्रभु तुमको शिकार कर लेंगे। शिकार तो किए हैं, ऐसे नहीं नया करके शिकार नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन तुम जानो जी प्रभु तुमको बिल्कुल पूर्ण रूप से शिकार कर लिया, ऐसे है ना। जब तक मोह ममता है तब तक जा करके हमको संसार में रहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कहते हैं, तावत कर्मणि कुर्वत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जापत न जायते। तब तक संसार में रहना, तावत कर्मणि कुर्वत, तब तक कर्म करना संसार में रहकर, निर्विद्यत जावता, निर्विद माने अनाशक्ति, समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र अनाशक्ति जब तक नहीं होती है तब तक तुम संसार में रह करके भजन करो। मत कथ श्रवणा दो वा श्रद्धा न जापत न जायते, मेरी कथा में हरि कथा में साधु संग में तीव्र श्रद्धा जब तक नहीं होती है तब तक संसार में रह करके कर्तव्य कर्म पालन करो, और कर्तव्य कर्म भी मेरा कर्म जान करके करो। जब तुम अपना निजी कर्म जान करके स्वयं कर्ता बन के वो कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा, और मेरा कर्म जान करके मेरा दास बन के अकर्ता बन के मेरी प्रसन्नता के लिए जब तुम कर्म करोगे वही कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। भावना ही बंधन, भावना मुक्ति, कुत्सितपन आ गया तो तुमको भोगना पड़ेगा, बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। दास बन के करोगे कोई चिंता नहीं, प्रभु कहते हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम सिर्फ मेरा कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं। बाबा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को तो विरक्ति हो गया था, बट फिर भी क्यों महाप्रभु जी ने उनको वापस जाने के लिए बोला? कुछ कर्म बाकी था शायद,
कुछ कमी या कुछ प्रिपरेशन हृदय हृदय के जो गठन प्रक्रिया और परिपक्व दशा प्राप्त करने के लिए तापत कर्मणि कुर्वी तो निर्विद्य तो जावता तब तक संसार में रहना, शायद ऐसा कुछ देखे हैं जिस कारण भेज दिया। पहले अवस्था में जब गए महाप्रभु के पास, महाप्रभु भेज दिए हैं, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखया, यथाज्ञ विषय भुंज अनाशक्त भैया, अंतर निष्ठा करी बाहिरे लोग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें करीबेन उद्धार। मरकट वैराग्य बंदर के जैसे वैराग्य मत करना, वैराग होता है अंतकरण वृत्ति, निष्प्रिय होता है वैराग, पोशाक परिवर्तन करने से वैराग नहीं होता है, मन में अनाशक्ति होने से तभी जाके वैरागी होती है। तो बोलते मरकट वैराग्य मत करो, अब संसार में रहकर जैसे कर्म है करो, अनाशक्त हो करके कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं। हठात से महापुरुष कभी धामवास की या इस तरह की प्रेरणा या उपदेश नहीं देते हैं? देखो हठात करके हमारे वो वैराग आया नहीं, वो भजन स्प्रिय आया नहीं, संसार में हमारे तीव्र आसक्ति है, फिर भी कोई साधु संग से हमको ऐसे महसूस हुआ कि हम धामवास करेंगे, अच्छा है, लेकिन वो परिपक्व ना होने के कारण कभी कभी क्या होता है, हम देखे हैं बहुतों ब्रज में आकर के घर बना करके फिर लौट के चले गए, बहुतों फिर लौट के चले गए, घर बार छोड़ के बेच बाज के चले गए। इसीलिए लेकिन दादा गुरुजी तो बिल्कुल पूर्ण परित्याग करके आए थे, पहले आए थे फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, हमारे हमारे श्री गुरुदेव ऐसा कई बार आए कई बार गए, लेकिन आखिर में जब आए फिर गए ही नहीं एकदम, और ऐसे साधना किए एकदम राधा ने पूर्ण कृपा किए, ये प्रेम सरोवर में राधा ने साक्षात हमारे गुरुजी को दर्शन दिए, पूर्ण कृपा किए प्रेम सरोवर में। एक दिन ये प्रियाचरण बाबा थे हमारे गोवर्धन के, एक दिन प्रियाचरण बाबा को बाबा से बहुत बहुत प्रेम था उनका, तो एक दिन प्रियाचरण बाबा पूछ रहे बाबा को जो गोसाई जी आप एक वचन दीजिए सत्य कहिए हमारे सामने, हम जो पूछेंगे आप सत्य कहेंगे, बोले हाँ कहेंगे, क्या राधा ने आपको दर्शन दिए? तो उस दिन कहे हाँ राधा ने हमको पूर्ण कृपा किए प्रेम सरोवर में, राधा ने दर्शन दिए ना, बहुत कठोर तपस्या किए कठोर हमारे गुरु जी जब आए हैं, ऐसे नहीं हम जैसे वैरागी नहीं तीव्र वैरागी। लेकिन सिद्ध मनोहर दास बाबा ने ही उन्हीं की आज्ञा से ही तो बंगाल वापस गए, वो तो पहले बार आके चले गए फिर आ गए, वो तो पहले दो एक बार ऐसे आए चले गए। और जब वैराग लेकर के जब भजन में प्रवृत्ति में फिर गए नहीं, फिर बाबा वृंदावन ब्रज में ही रहे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।